हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान काटने पर जताया विरोध। शहर के अति व्यस्ततम एरिया सरदारपुरा बी रोड पर बुधवार को दोपहर में यातायात पुलिस को व्यापारियों का आक्रोश झेलना पड़ा। पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान बनाए तब व्यापारी गुस्सा हुए, दुकानों को बंद कर नारेबाजी की। बाद में समझाइश पर व्यापारी शांत हुए। काफी देर तक यहां पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। एक तरफ दीपोत्सव पर्व आने वाला है और बुधवार को बुध पुष्य नक्षत्र होने पर शहर के व्यापारियों ने अपनी दुकानों को काफी सजा कर रखा है। दुकानें भी अपनी निर्धारित जगह से बाहर तक सज चुकी है। ऐसे में यातायात का आवागमन भी प्रभावित होता है। सरदारपुरा बी रोड काफी व्यस्त रहती है। इन दिनों यहाँ बाजार में ज्यादा रौनक रहती है। बुधवार को बुध पुष्य नक्षत्र होने और मार्केट में ज्यादा भीड़भाड़ होने से यातायात पुलिस का दल इस मार्ग पर पहुंचा और कई वाहन जो दुकानदारों के भी थे और ग्राहकों के भी, पुलिस ने बिना सोचे समझे ही चालान काटने के साथ क्रेन में भरवाने शुरू कर दिए। इससे व्यापारी आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन करने के साथ अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। बाद में सरदारपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को संभाला और व्यापारियों से समझाइश कर मामला शांत किया। ये हंगामा इसलिए हुआ कि एक रहवासी इलाके की कार को ट्रैफिक पुलिस वाले जबरदस्ती ले जा रहे थे। सरकार की ये नाकामी है कि ये पार्किंग तो बढ़ा दी। इस पार्किंग की सत्यता को साबित करने के लिए दुकानदारों के साथ साथ ये रहवासी इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा घर पे लाता है और वो पार्किंग में गाड़ी करके पैदल आएगा तो चोरों को बढ़ावा मिलेगा और चोरियां बढ़ेगी। वैसे भी चैन स्कैनिंग बहुत हो रही है, उसके बहुत भी कोई नहीं आया। ये सिर्फ अपनी उपयोगिता कि ये पार्किंग सही बनी है, जबकि पार्किंग में आज भी अंडरग्राउंड में पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर मिट्टी के ढिगले बने हैं और बीच में रेलिंग लगाकर मैदान को भी आधा कर दिया गया है। ये प्रशासन की नाकामी है और प्रशासन हठधर्मिया से हम रहवासी इलाके के लोगों की कारों को परेशान किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।